तो एक बार फिर हाजिर हूं मैं लेकर आपके समक्ष मुद्दा, और आज मुद्दा आपका क्या हो सकता है आप खुद सोचिए। अब सोचने विचारने का इतना समय ना लें तो फिर मैं बता देता हूं कि मुद्दा दरअसल यही है कि आज चौथे चरण का मतदान हुआ है, 6 बजे तक मतदान हुआ है। ये जो आजकल लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, महाउत्सव चल रहा है, इसको हर कोई मना रहा है, तो ऐसे में आज चौथे चरण का मतदान था। कुल 7 चरण है जिसमें आज चौथा चरण था। चौथे चरण में अब ये जो चुनावी गाड़ी है पश्चिम से होती हुई, पश्चिम की परिधि को लांघती हुई, अवध के क्षेत्र से होती हुई अब पूर्वांचल की ओर बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अब हर कोई यही सोच रहा है, विचार रहा है कि आखिर हर नेता, बड़ा नेता, हर बड़ा नेता, मसलन अखिलेश यादव साहब की बात करूं या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब का जिक्र करूं या फिर प्रियंका गांधी जी का जिक्र करूं या फिर मायावती जी का भी जिक्र कर लूं, हर कोई दरअसल, और स्पेसिफिक तौर पर कहूं तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ साहब एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहली जो चरण था, पहला, उसमें हमने 100 जीत लिया। वहीं अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि हम भी 100 जीते बैठे हैं, और जो बाद के 2 चरण हुए हैं इसमें कहा कि हम भी 100-100 जीत गए, तो 200-200 तो हो गए पूरे। अब इसमें मायावती जी कुछ नहीं बोल रही, तो मायावती जी के जो हाथी हैं उन्हें क्या मिला, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। प्रियंका गांधी जी लड़की हूं लड़ सकती हूं कह रही थी, लेकिन उन्हें क्या मिला, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब और इधर अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि 200-200 प्लस हो गए भाई, तो इतनी मजबूती के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये 4 चरणों में ही मतदान मेजोरिटी को पार कर रहा है, तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जो विधानसभा है लखनऊ में उसमें जल्दी से मिस्त्री भेज दीजिए, जल्दी से उसमें राजमिस्त्री भेजिए, जल्दी से मजदूर भेजिए, लेबर भेजिए, और जल्दी से विधानसभा की 2-3 मंजिल और बढ़वा दीजिए, क्योंकि हर कोई दावेदारी कर रहा है कि मेरी 200 सीट, मेरी 200 सीट। और प्रियंका गांधी जी कुछ ना कुछ तो सोचे बैठी ही होंगी, और मायावती जी ऐसा नहीं है, उनका भी कोर वोटर है, वो भी कुछ ना कुछ सोच कर बैठी होंगी। तो जो सीधी फाइट है वो दरअसल योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव इस चुनाव में चल रही है, हर किसी को ये बात पता है, इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। लेकिन मैं लगातार यही बात कर रहा हूं कि आखिर चुनाव में क्या चल रहा है। आज चौथे चरण का जो मतदान हुआ है इसमें अदिति सिंह ने वोट डाला, सबने तस्वीरें देखी, अदिति सिंह तो कांग्रेस की बढ़िया और बड़ी नेता थी, लेकिन अब कांग्रेस से टाटा बाय बाय। मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उन्होंने भी आज वोट डाला। राजनाथ सिंह साहब रक्षा मंत्री हमारे देश के, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी वोट डाला है। नितिन अग्रवाल साहब विधायक है समाजवादी पार्टी के और बड़ा चेहरा है, हरदोई साइड तो बोलबाला ही बोलबाला है। मोहसिन रजा साहब अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं बीजेपी में। साक्षी महाराज साहब, इन्हें कौन नहीं जानता, बयानों के लिए हर आए महीने में चर्चा में रहते हैं। अजय मिश्रा टेनी, इन्हें तो बच्चा बच्चा जान गया है उत्तर प्रदेश का, 3 अक्टूबर के बाद से इनके बेटे ने कुछ ऐसा नाम किया है कि अब पापा को हर कोई जानता है। अजय मिश्रा टेनी, इनके बेटे के ऊपर आरोप है कि इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, जिसको लेकर बीजेपी को काफी सियासी घाटा भी हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इन्हें भी हर कोई जानता है, इन्होंने भी आज वोट किया है। तो इन सभी लोगों ने आज वोट किया है, इसी को लेकर आज हमारी चर्चा है कि आखिर जिन जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई है उन सीटों का चर्चा पर्चा खर्चा क्या दुरुस्त है क्या नहीं, और बाकी आज जो वोटिंग हुई, जो चुनाव हुए, जो मतदान हुए, उसको लेकर कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि कोई नाराज हो, क्योंकि बड़ा अक्सर हमने देखा है कि चुनावी जो माहौल होता है जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन दरअसल शादियों में फूफाओं वाली हालत बहुतों की हो जाती है, बहुत लोग रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और चौथे चरण से स्पष्ट होगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना था कि किसके हाथ लगेगी सत्ता की सीटी। जी हाँ, सत्ता की सीटी, इसलिए क्योंकि इस बार सीटी तेज बजेगी और 2024 तक सुनाई देगी, तो 2024 पर भी निशाना है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा इलेक्शन 7 चरणों में इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो बच्चा बच्चा कहता है कि इस ओर चले हम, उस ओर चले हम। तो आज हम जानेंगे कि चौथे चरण के बाद किस ओर चले हम, जनता के रूप में, जनता के स्वरूप में समझेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद रहेंगे जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। उससे पहले तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रत्याशी नेता बाहर निकलते हैं तो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, और विक्ट्री के साइन के साथ ये दिखाते हैं कि देखिए जीत तो हमारी है, आप कुछ भी कर लीजिए, जीत तो हमारी है, जीत तो हमारी है, जीत तो हमारी है। ये बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव जब चल रहे होते हैं तो सभी पार्टियां बड़ा ताल ठोक कर बोलती हैं कि जीत तो हमारी है, जीत तो हमारी है, और जनता समझ नहीं पाती कि जीत की गाड़ी किस ओर जा रही है।
हमारे साथ मेहमानों को जोड़िए, शिल्पी जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ भूपेश साहब भी हमारे साथ हैं, भूदेव साहब हमारे साथ हैं, माफ कीजिए। शिल्पी जी आज आपने स्वयं लाल टोपी लगा ली है और लाल टोपी लगा ली और खुश भी हैं आप, क्या लग रहा है? मैंने कहा सत्ता की सीटी 2024 में बहुत खलबली मचाएगी, तो चौथे चरण के बाद आप तो मेजोरिटी पा गई, बाकी के इलेक्शन छोड़िए, आप क्या करना है? घर बैठिए, मिठाइयों का इंतजाम कीजिए, बैंड बाजा, क्या कर रही हैं आप शिल्पी जी बताइए? देखिए चौथे चरण में 200 का आंकड़ा पार करने के बाद हमने कहा है कि हम 303 लाएंगे ना, तो अभी हमारी लड़ाई चलेगी। अरे एक सेकंड, शानदार चल रही है। आपको एक सेकंड रोक रहा हूँ, आज बड़ी दिलचस्प चर्चा रहेगी, बड़ा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। आपने 200 चरण सीधे बोल दिया, बाजू में बैठे भूदेव शर्मा साहब, चेहरा उतर गया पूरा, ये क्या है भाई बताइए शिल्पी? मैं क्यों उनका चेहरा उतरेगा? कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अच्छी मजबूत पार्टी है, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, और कुल मिला के चाहे कांग्रेस लड़े या समाजवादी पार्टी लड़े, वो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो मुझे नहीं लगता कि उनका चेहरा उतरेगा। वो भी अपना आकलन कर रहे होंगे, हमने भी अपना आकलन रखा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उनका उन्हें चिंता हुई है। चिंता आपको जरूर हो रही है और आपका काम है ये चिंता निकाल कर सबके सामने लाना। सत्ता के सपने को चूर चूर कर दिया, चूर चूर कर रही हैं आप, और आप कह रही हैं कि क्यों उतरेगा? नहीं नहीं, अब ये तो वो जाने कि वो कौन सा सपना देख रहे हैं, उसके बारे में मैं कैसे कह सकती हूँ। हमने जो काम किया, हम जो अपनी स्ट्रैटेजी, जो हमारी रणनीति थी, उसको फलीभूत होते हुए देखने में प्रसन्नता तो बिल्कुल होगी, तो वो प्रसन्नता मेरे साथ है। जो भूदेव शर्मा जी की पार्टी ने किया होगा उसकी प्रसन्नता वो महसूस कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये सवाल होना कि हमने उनका सपना तोड़ा। कुल मिला के हमें भारतीय जनता पार्टी का सपना तोड़ना है, जिसके लिए हम सब कृत संकल्प हैं। ठीक है, आज राजधानी में भी चूंकि चुनाव थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे आज वोट डालते हुए नजर आ रहे थे, विक्ट्री का साइन भी बना रहे थे, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, विक्ट्री का साइन बहुत देखे आज हमने पूरे दिन, तो विक्ट्री का साइन असली वाला किसका है? हमारा है, निसंदेह गठबंधन का है। गठबंधन का है, मतलब आश्वस्त हैं आप, मतलब किसी प्रकार की कोई टेंशन तो नहीं है कि अभी बाकी है? क्यों टेंशन होगी, तीन चरण और बाकी है, कुछ कर सकते हैं, कुछ हर चरण को हम बराबर उतनी ही गंभीरता से लड़ रहे हैं। आज भी पूरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग सभाओं में मौजूद रहे, जनता से संवाद करते रहे, कार्यकर्ता से संवाद करते रहे, हम किन मुद्दों पर जनता के लिए खड़े हैं, ये जनता का चुनाव है, और समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता के साथ खड़ी है इस चुनाव में, हम उस पर बात करते रहे, तो इसमें चिंता जैसी तो कोई बात ही नहीं है। चिंता की बात यह है ना शिल्पी जी, दरअसल लोअर मिडिल क्लास को जो राशन मिला है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि जिनके पास राशन पहुंचा है वो खुश हैं, वो तो हमको ही वोट देंगे। बिल्कुल नहीं खुश हैं। देखिए मैं लगातार जनसंपर्क में रहती हूं हमेशा ही, जो 5 किलो राशन की बात इन्होंने कही है, उस 5 किलो राशन से एक औसत परिवार का पूरा महीना नहीं कटता है, पहली बात। दूसरी बात, जो नुकसान आवारा पशुओं ने गरीब परिवारों को, किसानों को दिया है, यहाँ तक कि एक्सीडेंट्स में शहरी नागरिकों को दिया है, उसकी भरपाई भी जनता इन्हीं से लेने वाली है, हमसे नहीं लेने वाली है। तो ये जो बातें हैं कि हम 80 करोड़ परिवारों को दे रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों का तो सबसे ज्यादा गुस्सा ये था कि ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को बेरोजगार बना रहे हैं, ठीक है, ये बेरोजगारी, ये भिखारी बना रहे हैं, और वो जो राशन दिया जा रहा है वो हमारे टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। मिडिल क्लास इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है। और एक बात आपको मैं बता दूं, भाजपाई वोटर शहरी वोटर है, पहले चरण से ही अगर आप रुझान देख रहे होंगे तो शहरों में वोटर कम निकला है, बिल्कुल स्पष्ट है कि किसका वोटर बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, ठीक, आज मेरे अपने बूथ पे शाम 5:45 बजे तक भाजपाई लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि कृपया करके जाइए, बूथ खाली पड़ा है, वोट देके आइए, वोट देके आइए, ये स्थिति है इस समय भारतीय जनता पार्टी की। तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उनके लिए आज बहुत खुशी का माहौल है। ठीक है, गुलरेज साहब भी आ गए हमारे साथ, बीजेपी से हैं, लेकिन उससे पहले भूदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। भूदेव साहब 59, आपका भी एक आंतरिक चलता रहता है, आप भी मॉनिटर करते रहते हैं, 59 में से कितनी सीटें हैं जिस पर आज आपको लगता है कि आप आगे रहे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो
सत्ताधारी दल है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ जो लोगों का आक्रोश है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब अगर मीडिया बताए या फिर सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जाए कि किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है, वो तो वहां का जो वोटर है वो 10 मार्च को बताएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश नहीं करते, हम केवल अपने मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज चुनाव है लेकिन हम पिछले 5 साल से लगातार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सड़क से लेकर संसद तक खड़े रहे हैं। तो जो भी सीटें आएंगी वो 10 मार्च को तय हो जाएंगी। वहां के लोग ये जानते हैं समझते हैं कि कौन है, कौन सी पार्टी है, कौन किस पार्टी के नेता हैं जो हमारे साथ हमारे मजबूरी के समय या हमारी मुसीबत के समय हमारे साथ खड़े रहे, चाहे वो किसानों के साथ हों या वहां के युवाओं के साथ हों, वहां के मजदूरों के साथ हों, वहां के दलितों के साथ हों। तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी आज एक जनसभा कह रहे हैं, परिणाम आपको देखने को मिलेंगे 10 मार्च को, चाहे मीडिया कितना भी एग्जिट पोल दिखा रहा हो या सोशल मीडिया पर कुछ भी चल रहा हो, तो मेरा मानना है कि 10 मार्च को आप देखना। मुझे इतना बताइए आज प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने राशन देने का काम किया, हमने मुफ्त वैक्सीन देने का काम किया, हमने एक्सप्रेसवे देने का काम किया, हमने लगातार और भी अन्य तमाम चीज़ें देने का काम किया, हमने शिक्षा देने का काम किया, राशन की तो बात हो ही गई, तो ये सब चीज़ें, और उन्होंने कहा कि हमने लाखों घर देने का काम किया, तो जिनको ये सब मिला है, ऐसा है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमने राशन देने का काम किया, तो पहली बात तो ये कि राशन क्या उन्होंने अपने घर से दिया क्या? अरे लोगों का पैसा था, ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि भूखे लोगों को खाना खिलवाई। उनको ये पता होना चाहिए कि इस कोरोना के समय में देश के हजारों लोगों ने अपनी निजी संपत्ति से लोगों को खाना भी दिया, उनको और सुविधाएं भी मुहैया कराई। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, ये तो हमारा खुद का, हमारे सर एक मिनट पूरी बात। उन्होंने कहा कि हमने फ्री वैक्सीन दी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने फ्री वैक्सीन नहीं दी। पहली बात कि आज पूरे देश में जब से देश आजाद हुआ है तब से कोई ना कोई वैक्सीन हमको लगती रही है, वो फ्री मिलती है, और इन्होंने स्टार्टिंग में कोई फ्री वैक्सीन नहीं दी थी। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, इसको लेकर के तमाम जगह आवाज उठाई, तब जाकर के इन लोगों ने उसको फ्री वैक्सीन किया। और 11,000 करोड़ के आसपास जो पैसा प्रधानमंत्री फंड इन्होंने इकट्ठा किया था, उसमें से मात्र आज तक 3,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर पाए हैं। हमारा पैसा, जनता का पैसा, उसको ये खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या लोगों को देंगे? ये अपने कार्यालय बनाने में लगे हुए हैं। जनता की सेवा 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 भाव से करनी चाहिए। सेवा हमने भी की, यूथ कांग्रेस ने सेवा की, लोगों की जान बचाने का काम किया, ऑक्सीजन घर घर पहुंचाई जो उनको जरूरत थी, लेकिन हम ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। हम सेवा की तो उसको सेवा के भाव से ले रहे हैं, ये नहीं है कि उसके नाम पर हम वोट मांगने चले गए। हमने आपको खाना दिया, आपने बोल दिया, जब अगर बोल दिया तो फिर बोल दिया, आपने बोल दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए भूदेव साहब, स्पेसिफिक बताइएगा, बिल्कुल इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे गुलरेज साहब के पास भी जाना है, स्पेसिफिक बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को जीतने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर बीजेपी के वोट काटने में और उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं? बस देखिए, हमारी लड़ाई जो सत्ताधारी दल है उससे है, तो इस समय हम बीजेपी से हमारी लड़ाई है, क्योंकि मतलब उसके अलावा कोई भी जीत जाए, समाजवादी पार्टी जीत जाए, नहीं लड़ाई किससे होती है? सत्ताधारी दल से होती है। सवाल आप जीतने में ज्यादा इंटरेस्टेड है या बीजेपी को हराने? हमारी लड़ाई अलग है, ये अलग है, ये सवाल अलग है। आप समझिए, साहब के पास भी जाना मुझे, बीजेपी को, अगर आप जीतने में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो मतलब कांग्रेस को जीत रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी को जीत रहा है, तो वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, 200 जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आप नहीं बोलते, आप कहते हैं हमें बस बीजेपी को हराना है, तो आप इतना छोटा दल हो चुके हैं कि आप सिर्फ वोट काटने के काम आएंगे आज की डेट में? नहीं, छोटा दल कैसे है? छोटा दल आप जीतने की, आप जीतने का कॉन्फिडेंस क्यों दिला रहे हैं? आप जीतने का कॉन्फिडेंस क्यों दिला रहे हैं? नहीं, हमने क्या कहा, हम बांट करके राजनीति नहीं करते, आपको पता होगा। अखिलेश जी जब रास्ते में प्रियंका जी को मिले थे तो आपस में उन्होंने अच्छे से मतलब एक व्यवहार किया। कल भी आपने देखा होगा बीजेपी की रैली में जो लोग थे वो लौट रहे थे, तो प्रियंका गांधी जी के साथ उनका जो लगाव था, तो हम अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर 10 मार्च को एक आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, गुलरेज साहब, आज अखिलेश यादव साहब को मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव साहब ने कहा कि आप झूठ बोलने वाली पार्टी हैं,
दूसरी चीज उन्होंने कही कि आपकी वजह से कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो जाने वाली है और डबल सेंचुरी समाजवादी पार्टी की लग चुकी है, ये मान लीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला कि चार चरण में डबल सेंचुरी लग गई। बताइए। देखिए, प्रकृति ने जुबान दी है तो बोल रहे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। इन्होंने ऐसी ही बातें जो थी वो जब राहुल गांधी को 100 सीटें दी थी पिछली बार, तब भी उन्होंने की थी, जिनके प्रवक्ता शर्मा जी अभी खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और अंततोगत्वा परिणाम सबने देखा था। ऐसी ही बातें जब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ मायावती जी के साथ इन्होंने मेरा पेट बीच में आ रहा है, बिल्ली बीच में आ रही है, जब इन्होंने मायावती जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था तब भी इन्होंने ऐसी ही बातें की थी कि ये तो अभूतपूर्व है और ये तो हम पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, परिणाम फिर भी इनके लिए सिफर रहा था, तो इनके लिए परिणाम वैसा ही इस बार भी आने वाला है। मैं तो चाहता हूँ कि दो चार दिन और खुश हो जाए। और अभी शर्मा जी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि कोई इन्होंने अपने जेब से नहीं दिया वैक्सीन या फिर खाद्यान्न, बिल्कुल नहीं दिया। ये बात सच है कि जनता का पैसा है, जनता को ही दिया गया है, लेकिन इनके प्रधानमंत्री जब थे राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपए बेचता हूँ तो 85 रुपए बीच में चले जाते हैं, वो हमारी सरकार में नहीं होता है, इसीलिए जनता को हम भोजन भी दे पा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विस्तार कर पा रहे हैं, हम देश की आर्म फोर्सेस को भी आर्म कर पा रहे हैं, हम वैक्सीनेशन की ड्राइव भी बहुत कामयाबी से बहुत तेजी से दुनिया की ड्राइव चला पा रहे हैं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें काम हो रहा है, जनता को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता सर कि आप लोग कांग्रेस को बुलाते क्यों हैं, क्यों मैं आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन कांग्रेस कहीं है ही नहीं खेल में, और अभी खुद कांग्रेस ने ये बात कबूल कर ली कि ये तो बी टीम है समाजवादी पार्टी की। इन्होंने क्या कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं, ये 10 मार्च को सर बुलरे जी 10 मार्च को पता चलेगा कि किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। अरे शर्मा जी आप क्या बोल रहे हो, क्या प्रियंका वाड्रा क्या मुख्यमंत्री बनने वाली 10 मार्च? नहीं, 10 मार्च को पता चलेगा कि योगी जी अपने मठ में जाएंगे या उत्तराखंड में आपकी सरकार बचेगी या गोवा में या पंजाब में या मणिपुर में, कहां पे आप आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश में, आप निश्चिंत रहिए 10 मार्च को आपको बुलाने पे भी आप नहीं आओगे। नो प्लेयर है, प्लेयर ही नहीं है। 10 मार्च को आप 10 मार्च को आप बुलाने से भी नहीं आओगे। हम संवाद करें, हम चर्चा करें, परिचर्चा करें, लेकिन कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं गेम में। ठीक है, दयाराम भार्गव भी हमारे साथ हैं, सुभाषपा से हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा गुलरेज साहब, आप जैसे बता रहे हैं आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, इतना कॉन्फिडेंस में हैं, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि डबल सेंचुरी आने वाली है, चार चरणों में डबल सेंचुरी लग चुकी है आपकी? डेफिनेटली, और 3/4 बहुमत से सरकार बनने वाली है, बड़े आराम से बनेगी। और देखिए, मुझे एक स्नोबॉल इफेक्ट और अंडर करंट दिख रहा है, ये अंडर करंट वैसा ही है जब अधिकांश लोग 2019 में कहते थे कि बीजेपी को 200 से कम सीटें आएंगी और हम कहते थे कि 300 से अधिक सीटें आएंगी, और हुआ क्या, 303 नंबर आया, क्योंकि हमको अंडर करंट दिख रहा था। तो क्या होता है कि जब अंडर करंट होता है जो आप मेजर नहीं कर पाते, तो वो नीचे जब आता है तो स्नोबॉल की तरह आता है, बड़ा होता जाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पिछली बार का आंकड़ा टूट जाए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अंडर करंट है बीजेपी का, और हो सकता है कि पिछली बार जितनी आप सीटें लाए थे 325, उससे ज्यादा आंकड़ा टूट जाएगा, सीटें ज्यादा आ जाएगी। हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एक सेकंड भूदेव जी बिल्कुल आप पर आ रहा हूं, लेकिन एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ दयाराम भार्गव साहब भी है, सुभाषपा से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं बिल्कुल आप ही पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले गुलरेज साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले वाला जो आंकड़ा है वो भी टूट सकता है, अंडर करंट भी है, और 325 थी इस बार तो उससे भी ज्यादा आ सकती है, मेजोरिटी हमारी ही है, तो क्या आपका हर प्रत्याशी यही सोच रहा है, हर प्रत्याशी को भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जीतने वाला है, वो विकास किया है तो विकास के नाम पर एक बार फिर हर प्रत्याशी आपका जीत जाएगा? भाई साहब,
वो चीजें आप मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए एक वेल ऑइल्ड मशीनरी है जो 24/7 काम करती है। ऐसा नहीं कि हम बरसाती मेंढक की तरह सिर पे एक लाल टोपी लगा के निकल जाएंगे। हम कंटिन्यू काम करने वाली पार्टी है और सत्ता में रहते हैं तो लोगों का काम करते हैं और संगठन उसी समय अपने संगठन का विस्तार करता है, लोगों का संवाद करता है। तो हमको कोई शिल्पी जी कोई फायदा नहीं, आप कितनी बार म्यूट कर लीजिए, म्यूट हो जाएंगे आप। शिल्पी जी कोई फायदा इस बात का, कोई फायदा इस बात का? शिल्पी जी बीच में बोलने से कुछ होगा, बीच में बोलने से कुछ होगा। मैं ये कह रहा था गुलरेज साहब आपसे, गुलरेज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? गुलरेज साहब मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा कि मेरा एक एक प्रत्याशी जो है हर कोई कॉन्फिडेंट है और साथ ही साथ आपकी पार्टी। अरे शिल्पी जी अरे क्या करूं मैं, अपने जाकर अपने भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के पैर धो कर दिए, दूसरों का तमीज ना दिखाएं, दूसरों का अपने चरित्र ना दिखाएं। ठीक है, ये जो दाढ़ी आती है ना वो सब निकाल के रख देंगे। आप हरे मंच पर, आप एक प्लेटफॉर्म पर शिल्पी जी ऐसे कह रही हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम को धमका रही हैं। शिल्पी जी आप एक प्लेटफॉर्म पर कह रही हैं कि मुस्लिम है तो बीजेपी ये कर देगी, आप डर दिखा रही हैं। शिल्पी जी आप एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप एक न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पर ये कह रही हैं कि तुम मुस्लिम हो बीजेपी ये कर देगी, आप डराने और धमकाने का काम कर रही हैं, पोलराइजेशन का काम कर रही हैं। रुकिए शिल्पी जी, ऑडियो हटाइए, ये देखिए ये सपा के दिन आ गए, ये सपा के दिन आ गए। शिल्पी जी ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी से हैं, शिल्पी जिनका नाम है शिल्पी चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और ये गुलरेज साहब को बोल रही हैं। गुलरेज साहब कौन से लिए बोल रही हैं कि मुस्लिम है और बीजेपी आपके साथ ये कर देगी वो कर देगी, डराने और धमकाने की राजनीति शिल्पी जी थोड़ी देर के लिए, मुसलमानों को डराने और धमकाने की राजनीति थोड़ी देर, शांत रखिए, मुसलमानों को डराने और धमकाने की राजनीति मत करिए, मत करिए। ये क्या है भाई, ये राजनीति किस जगह जा चुकी है? आप मुसलमानों को इस तरीके से डराएंगे? आप मुसलमानों को डराने और धमकाने की राजनीति कर रही है? बीजेपी को वोट दिया तो ये होगा, क्या होगा? ठीक है ठीक, अरे क्या बोल रही है आप, डिबेट को पूरा डिरेल कर रही है, तो उंगली दिखा रहे। चलिए गुलरेज साहब अब शिल्पी जी अगर आपने दोबारा से अगर सोच कराई है आप कि डिबेट को खराब करेंगी तो फिर मैं मुझे माफी चाहूंगा, फिर मैं आपसे कोई डिबेट खराब नहीं होगी। तो फिर आप थोड़ी देर के लिए सुनिए ठीक है, देखा चली गई। तो दर्शकों आप देख रहे थे कि किस तरीके से न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म के जरिए वो सीधे तौर पर गुलरेज साहब को कह रही थी कि आप मुस्लिम है और डराने धमकाने की जो कर रही है कोशिश, इनको एक बार फिर जोड़ेंगे हम शिल्पी चौधरी जी को कि बार बार जोड़िए इनको, जोड़िए, जाने मत दीजिए इनको, आईना दिखाना जरूरी है। जिस तरीके से डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं, कौन डराने धमकाने का काम कर रही है शिल्पी जी, आप कर रही हैं, आप कह रहे हैं गुलरेज साहब से मुसलमान हैं, अगर फिर भी बीजेपी आ गई तो ये करेगी वो करेगी, आप कौन हैं? ये मुसलमानों के दलाल बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप बदतमीजी की भाषा का प्रयोग मत करिए, आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए, अभी यह कह देंगे सफाई गुंडे हैं, आप ये भाषा का प्रयोग मत कीजिए, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। और यही करने आप बैठते हैं, अरे शिल्पी जी को बंद करिए, क्या कर रहे हैं शिल्पी जी, दिमाग आपका है, तंगी दिमाग आपका है और बैठाते हैं आप इस जैसे बदतमीज आदमी को भारतीय जनता पार्टी से। आपको आपको कोई हक नहीं है, आप किसी को किसी भी पैनलिस्ट के लिए आप कुछ भी कहेंगे, आपको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं आपको, कोई हक नहीं आपको, कोई हक नहीं आपको, कोई हक नहीं आपको किसी पैनलिस्ट के, आप ये बोलेंगे डराएंगी धमकाएंगी पैनलिस्ट के, आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगी, कोई बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कौन है, आप कौन है जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप कौन है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे? एक मुसलमान को आप कौन से डराते हैं? ये आपकी राजनीति है, समाजवादी पार्टी की राजनीति है, मुसलमानों को डराने का काम करेंगे आप? कौन है, आप कौन है, कौन है आप? तो आप हमारी ठेकेदार, मुसलमानों की ठेकेदारी का, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं आप, और दूसरा दलाल ये मुसलमानों का बैठा है, दूसरा दलाल ये मुसलमानों का बैठा है,
पहले दलाला थे। शिल्पी जी को लीजिए, शिल्पी जी को लीजिए, इनका ऑडियो बिल्कुल डाउन मत करिएगा। शिल्पी जी का ऑडियो बिल्कुल डाउन मत करिएगा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ शिल्पी जी का ऑडियो रखिए। शिल्पी जी का ऑडियो, सिर्फ शिल्पी जी का ऑडियो रखिए। शिल्पी जी इतनी हल्की, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, गुंडे आप, झूठे आप, बलात्कारी आप, और संघ का पर्दा लेके चलते हैं ये बैठे हैं यहां पर अधिकारी। शिल्पी जी सबसे पहले एक मिनट, सब शांत रहिए, नहीं नहीं गुलरेज साहब, गुलरेज साहब, गुलरेज साहब, नहीं गुलरेज साहब, गुलरेज साहब बैठिए, आप बैठिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपसे बात करने की। शिल्पी जी कैसे आप टोपी पे बात कर रहे हैं, कैसे आप टोपी पे बात कर रहे हैं। शिल्पी जी जिस तरीके का आ रही, इनका ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, बदतमीजी कर रहे हैं, इनका ऑडियो डाउन करिए, आतंकवाद, ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूं, ये देखिए ऑडियो डाउन ना करिए। ये समाजवादी पार्टी के, ये समाजवादी पार्टी के, ये समाजवादी पार्टी के शिल्पी चौधरी का नाम, ठीक है शिल्पी जी, आप सुन लीजिए, ऑडियो पूरा रहेगा, शिल्पी जी आप सुन भी लीजिए, शिल्पी जी ठीक है, ठीक है, आपके जो मन में इच्छा थी आपने बोल लिया, आपके मन में जो इच्छा थी आपने बोल लिया, आपके मन में जो इच्छा थी आपने बोल दिया, बिल्कुल गलत तरीका है। शिल्पी जी आपके मन में जो इच्छा थी आपने बोल दिया, शिल्पी जी आपके मन में जो इच्छा थी आपने बोल दिया, ठीक है आप शांत हो जाइए। आप टीवी पर बैठकर ये समाजवादी पार्टी को इसीलिए आपके डिबेट में आए थे, पीछे जूता लेके बैठे हुए थे, भूदेव शर्मा जी से पूछिए, जूता लेके बैठा था भारतीय जनता पार्टी का वो पागल कैप्टन, बकवास, गालियां, मां बहन की गालियां दे रहे थे, मां बहन की गालियां दे रहे थे आपके प्रवक्ता, मां बहन की गालियां, महिलाएं बैठी हुई थी, भूदेव जी को महिलाएं बैठी, ठीक है सबका ऑडियो एक मिनट के लिए सबका ही ऑडियो डाउन कर दीजिए, पैनल से ऑडियो डाउन हो गया, आप शिल्पी जी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब दर्शकों एक चीज देखिए, यहाँ पर शिल्पी जी समाजवादी पार्टी से हैं और शिल्पी जी लगातार गुलरेज जो कि बीजेपी से हैं उनसे कह रही हैं कि गुलरेज तुम मुसलमान हो, अगर बीजेपी आ गई तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। इन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, लगातार अपनी भाषा को जितना निम्न स्तर तक गिरा सकते थे उतना गिराया, अलग अलग तरीके से यहाँ पर उस स्तर तक आज शिल्पी जी आप जा रही हैं कि मुझे दुख हो रहा है। और कैमरा पर्सन हमारे हैं उनसे मैं कहूंगा कि जरा क्लीन कीजिए, और आपने मेरे लिए भी एक शब्दों का प्रयोग किया तो आपको मैं बताना चाहूंगा, शिल्पी जी सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने मेरे लिए कहा कि आप बीजेपी है उनके दलाल हैं, तो आपको मैं बता देता हूं, पत्रकारिता का एक दशक का अनुभव है, आपको मैं बताता हूं कि आप जैसे लोगों से कई दफा पाला पड़ा है, कई दफा पाला पड़ा है, और उनके लिए मैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना, आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाना है, सिर्फ एक वीडियो दिखाना है कि आप जैसे लोग जब सवाल करो तो क्या करते हैं, और आपके लिए एक वीडियो है, वो वीडियो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको कि आप जब एक पत्रकार पर जो निष्पक्षता के साथ सवाल पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को जरा पास कीजिएगा, ये देखिए, पास करिए कैमरामैन साहब, पास करिए, ये है, ये पत्रकार है, हम अपनी पत्रकारिता में मस्त हैं और आप देखिए क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें आप कर रहे हैं कि एक पत्रकार के साथ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और सोचते हैं कि बचकर निकल जाएंगे। अब आप शिल्पी जी को लीजिए जरा, अब शिल्पी जी जरा सबूत दीजिए, आपने जो बोला है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, सबूत दीजिए, कोई नहीं जाने देगा, यहाँ शिल्पी जी को कोई नहीं जाने देगा, बिल्कुल है, बिल्कुल, 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 सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, बकवास नहीं, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, अखिलेश यादव आप जो कर रही हैं वो ठीक है, पूरा डिबेट का कबाड़ा कर रही हैं आप, यहाँ पर पूरा अपने अतिक्रमण कर रखा है, पूरी गुंडागर्दी दिखा रही हैं आप। मेरे से गलती ये हुई कि मुझे बताना चाहिए था कि ये पनवाड़ी के दुकान पर होने वाली बहस नहीं है, बदतमीजी कर रही हैं आप, चलिए ठीक है, बदतमीजाब है आप, बदतमीज हैं, तमीजाब सीखिए पहले। शिल्पा जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं मैं, आप अनकंट्रोलेबल हो गई हैं, आप आज अनकंट्रोलेबल हो गई, आपको पता नहीं आप क्या कर रही हैं, आपको पता नहीं आप क्या कर रही हैं, आपको मैं एक बात बताता हूं शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, आपने लाल टोपी कब लगाई है कब नहीं लगाई है मुझे नहीं पता, लेकिन पत्रकारिता का जो मेरा रिकॉर्ड है ट्रैक रिकॉर्ड उसको आप चेक करवाइए, आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप मत लगाइए। आप जिस डिबेट में बैठी हैं ये कोई सड़क किनारे आपकी शर्मा चाय पे नहीं चल रही है, आप ऐसे मत करिए, सुभाषपा से भी मेरे साथ आ रहे, मुझको और भी दर्शकों पर जाने दीजिए, और भी मेहमानों पर जाने दीजिए, और भी मेहमानों पर जाने दीजिए, ठीक है सुभाषपा से मेरे साथ, अरे मैडम रुक जाइए, मैडम क्या कर रही हैं आप, एक मिनट मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए, सुभाषपा से मेरे साथ ही दयाराम भार्गव साहब मेरे साथ है, दयाराम भार्गव जी सिर्फ जी, दयाराम भार्गव क्या बोलिए, चुनाव का माहौल चल रहा है, आपको चुनाव में जाना है, किसी भी पार्टी के कलर पे अक्षेप लगाने से पहले अपने अंदर देख लीजिए कितना कलर है। मैंने गुलरेज शेख पहले ध्यान रखिए बोलने से पहले, आप मेरी बात सुनिए एक मिनट, चुप रहिए,
अरे सुनिए गुलराज, देखो फिर नहीं, क्या सुनूंगा आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? लाल टोपी मेढक, एक बार बताइए लाल टोपी मेढक है? आपको शर्म आती है सर लोग का? क्यों कहा आपने? तो आप लोग क्यों कहा? क्यों कहा? कोरोना में तो आप भी नहीं निकले, कोरोना में तो आप भी घरों में घुस गए थे, बीजेपी वाले घरों में घुस गए थे सरकार में होते हुए। भाई मैं फिर जा रहा हूँ, फिर मैं छोड़ रहा हूँ बेकार चैनल, बेकार डिबेट। अरे शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी को हटाइए, शिल्पी जी को हटाइए, शिल्पी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिल्पी जी को हटाइए, शिल्पी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिल्पी जी आप लगातार जब से आपको डिबेट पर जोड़ा है आप सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं, बदतमीजी की भी एक लिमिट होती है। लीजिए चलिए इनको ले लीजिए, ऑन स्क्रीन ले लीजिए, ऑन स्क्रीन ले लीजिए इनको। शिल्पी जी आप एक चीज समझिए, ठीक है शिल्पी जी आप मुझसे जरा वन टू वन बात करिए। अब शिल्पी जी आप लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? ये गली नुक्कड़ की कोई बहस चल रही है या फिर हम कोई गुंडे बदमाश हैं कि आपस में लड़ रहे हैं तो आप बदतमीजी पर बदतमीजी करी जा रही है? आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? आपको कुछ पता भी है? आपको कुछ पता भी है आप क्या बोल रही हैं? अरे मैं उन पर जाऊंगा, मैं जवाब दूंगा, मैडम मुझे मॉडरेट करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गाली गलौज करने लगेंगे। अब सुभाषपा से हमारे दयाराम साहब हैं, मैं दयाराम साहब को पूरा मौका दे रहा हूँ, दयाराम साहब जो बात करेंगे वो रख रहे हैं। आप एक टाइम तो दीजिए, आप टाइम तो दीजिए। और एक बात सुनिए शिल्पी जी, एक बात सुनिए शिल्पी जी, आज आपने कह दिया है दोबारा इस बात को मत कहिएगा, मैं आज आपको समझा रहा हूँ। सबका ऑडियो एक मिनट के लिए डाउन कर दिया, गुलरेज साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। आज आपने जो शिल्पी जी बात कही है दोबारा मत कहिएगा, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप चाहे अखिलेश यादव की पार्टी से हो चाहे आप किसी की पार्टी से हो, आपको किसी को भी गद्दार कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप कोई हैसियत नहीं रखती कि आप एक पत्रकार को या उसके संस्थान को किसी भी तरीके से कुछ भी कहें। आपको यहां बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, आप उतनी ही बात रखिए, आप इधर उधर मत जाइए। बीजेपी से आपसे कुछ कहा है आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन आप ये सब मत कीजिए, ये सब ठीक नहीं लगता। अगर आप इसीलिए आई हैं कि आपको सिर्फ जाकर एक गाली देनी है, पत्रकार को गाली देनी है, आपको ये सब कुछ करना है, तो यहां से तो आपको दयाराम भार्गव साहब बोलेंगे। आपको गाली लगता है? दयाराम भार्गव जी बोलेंगे। आपको गाली लगता है? तो मैं कुछ कहूं, ठीक है, आपने कहा कि आप गद्दार हैं, आपने कहा कि आप दलाल हैं, यही शब्द मैं अगर आपके लिए बोलूं तो ये आपको मिठास देते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? वो मैंने क्या बोला? आपको मिठास देते हैं? आप एडवोकेसी क्यों? आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार हैं। रुकिए, दयाराम भार्गव साहब को भी बोलने दीजिए, आप ही की पार्टी के हैं, जब से आई हैं तब से अतिक्रमण कर रही हैं आप। आप एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं भाजपा की? आप एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं? आप उस आदमी को नहीं रोक पाए थे? आप उस आदमी को नहीं रोक पाए? दयाराम भार्गव साहब बोल रहा है कि लाल टोपी पहन के दयाराम भार्गव साहब बदतमीजी करी है आप। दयाराम भार्गव साहब बोलिए, दयाराम भार्गव साहब जवाब दीजिए भाई। इनको गुलरेज शेख को आप चुप कराइएगा कि नहीं कराइएगा? या तो गुलरेज जी, गुलरेज जी, गुलरेज जी, गुलरेज जी, गुलरेज जी, गुलरेज जी, थोड़ा सा ठहरिए दयाराम भार्गव साहब, थोड़ा सा संयम तो रखें। आप ये तो सुनिए, आप शिल्पी किस तरह से बात कर रही है? फिर सुनो दयाराम भार्गव साहब खाए कि नहीं खाए बताएं? अरे दयाराम भार्गव साहब क्या कर रहे हैं ये? आप पर्सनल क्यों कर रहे हैं? क्यों पर्सनल कर रहे हैं आप? मुझे बोलने तो दोगे नहीं? आप बैठा रखे, मैं चुपचाप सुन। अरे दयाराम भार्गव साहब 100 बार बोल चुका हूं, बोलिए आप, क्या करूं आपके? लाउडस्पीकर लगाऊंगा आके क्या आपके मुंह में? आप बोलिए ना, मैं बोल तो रहा हूं, आप बोलिए। दो शब्द सुनिएगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो है ना, इसमें व्याप्त है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के वादों पे अगर हम जाए, एक भी वादा क्या पूरा किया? हम मुद्दे की बात करते हैं। स्वयं भारतीय समाज पार्टी इनके साथ रही, मुद्दों के साथ रही, मुद्दों को इन्होंने नहीं हल किया, हम इनसे अलग होके रहे। इनसे पूछिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर लागू होती तो क्या जो पिछड़ी जात के 27% जो है उन लोगों को यह लाभ मिलता कि नहीं मिलता? अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में योगी सरकार ने पिछड़ों के SC ST का हक लूटा,
68,500 में योगी सरकार ने पिछड़ों का एसटीएसटी का हक लूटा, 72,234 में योगी सरकार ने पिछड़ों का एसटीएसटी का हक लूटा। अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होती तो मेरे दीन दुखी जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े पिछड़े गए लोग हैं, उनके भी बच्चे आज शिक्षा में होते, वो भी कम से कम शिक्षा मित्र बने होते। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश में, इस प्रदेश में बेरोजगार कॉलोनी बनाना चाहती है। जब हमारे शिक्षा शिक्षक भाई पेपर देने जाते हैं और तैयारी करते हैं, देखिए आप भी है चैनल पे, आज हम लोग बैठे हैं, आप देखिए हम लोगों की पढ़ाई में हमारे माँ बाप के कितना पैसा लगता है। मुझे याद है मैं पैदल जाया करता था, पैरों में चप्पल नहीं होता था, मुझे वो भी नहीं याद है। मैं 85 की बात दिलाता हूँ, चप्पल नहीं हुआ करता था, हम लोग पैदल जाते थे। शिक्षा का महत्व क्या होता है इसको मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ शिक्षा वो चीज है जिसने शिक्षा रूपी दूध पी लिया वो शेर की तरह दहाड़ता है, जैसे दयाराम भार्गव जो भारतीय समाज पार्टी के लिए दहाड़ता है। लेकिन हम लोग शिक्षा को अगर हम बार बार बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को हटा करके ये हमें केवल केवल बेरोजगार करोली में लेके जाना चाहती है। मैं इनसे जाना चाहता हूँ गुरुदेव सिंह भाई, अगर आप इतना चिल्लाते हैं अच्छी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है, क्यों नहीं होगी सरकार से आपने कहा जब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में पिछड़ों का हक अधिकार लूटा गया, तब आपकी जवान पे ताला क्यों लग गया, तब आपने काला चश्मा क्यों पहना, और उसके बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक अधिकार लूटा गया, तो आपकी आवाज क्यों नहीं उठे। दूसरी बात, इसी उत्तर प्रदेश में क्या क्या वाक्य हो गया था आपने देखा नहीं। अब मुद्दों की बात करते हैं, आपने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, 75 साल की आजादी में आज हम 45 साल के पीछे चरम सीमा की जो महंगाई है उसमें हमारे बच्चे जी रहे, जो दाल जो अरहर का दाल 55 रुपए किलो था आज 200 रुपए के पार है, सरसों का तेल जो 65 रुपए लीटर हुआ करता था 200 के पार चला गया है, हम गैस जो लेकिन साहब लेकिन ठीक है, अरे ठीक है, हो गया ठीक है, एक बात बताइए दयाराम भार्गव साहब, दयाराम भार्गव साहब ठीक है, हो गया ठीक है, दिख गया दयाराम भार्गव साहब हो गया ठीक है। आपको सब देख रहे हैं आप जिस तरीके से, आप फिर आप भी शुरू हो गए, दयाराम जी रुकिए, अरे मैंने 2 मिनट तक आपको बोलने दिया, आप रुकिए, आप इसकी चिंता करिए ना, म्यूट करिए क्या क्या काम किया है, म्यूट करिए, गुणवत्ता दीजिए, यहाँ आके क्या करना पड़ रहा है, क्या परिचय दे रहे हैं आप, आपको पूरा 2 मिनट तक बोलने का मौका दिया है, ये आपकी रैली या भाषण थोड़ी ना चल रहा है, जनसभा थोड़ी ना, या क्या हो क्या रहा है, ये क्या है, ये आ रहे हैं 2-2 मिनट 3-3 मिनट बोले जा रहे हैं क्या है ये, कौन सी बहस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया आजकल लोग। अब दयाराम भार्गव साहब आपका आवाज नहीं जा रहा है, आप बोले जा रहे हैं नॉनस्टॉप, मैं आपको समझा रहा हूं, अब रुक जाइए, अब सवाल लीजिए फिर जवाब दीजिए, क्या है ये, आए हैं 6-7 मिनट बोलेंगे, मैंने पूरा टाइम दिया, हो गया। अब सुनिए दयाराम भार्गव साहब, इनको अनम्यूट कर दिया, दयाराम भार्गव साहब आपने जितनी लंबी बातें कही उसमें आपने गरीब शब्द का 22 से 23 बार जिक्र किया, 22 ठीक है, 22 से 23 बार आपने गरीब शब्द का जिक्र किया। गरीब शब्द का जिक्र ओम प्रकाश राजभर साहब ने भी किया था आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले उन्होंने कहा था कि गरीब दरअसल जब अमीर हो जाता है या फिर उसके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो वो अपने आप को राष्ट्रपति समझने लगता है, गरीब दरअसल वो है जो मुर्गा खाकर और दारू पीकर वोट देता है, ये ओम प्रकाश राजभर साहब ने कहा था। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, उन्होंने सही कहा है, आज चुनाव चल रहा है, मैं बना मतलब जनता जो है वो आप कह रहे हैं कि मुर्गा खाकर और दारू पीकर वोट देती है, अरे अब सुनेंगे भाई, जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए ना, हम सिद्ध करते हैं, मैं इस समय लाइव आपको बता रहा हूँ, जो सांसद है देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सुपर विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ, आज मैं 18 गांव का दौरा किया हूँ, जिस आवाज की ये चर्चा करते हैं, जिस ये क्या नाम है शौचालय की चर्चा करते हैं, उन गाँव से गुजर के आया हूँ मैं, गाँव की हालात इतनी दयनीय है, लोगों को छप्पर मड़ैया यानी खर पतवार का जो होता है ना उसका वहां पे लोगों ने डाल करके रह रहे हैं। अरे ये बात हमारे जो बैनर चुनाव में, मैं सुन तो लीजिए, मैं वही आ रहा हूँ, आपके दारू मुर्गा पे आ रहा हूँ भाई, आप सुनिए तो सही हमको, भारतीय समाज पार्टी मुद्दे की बात करती है, दयाराम भार्गव मुद्दे की बात करेगा, हटेगा नहीं। कल तक आप बीजेपी के साथ रहकर मुद्दे की बात कर रहे थे, आज समाजवादी पार्टी के साथ रहकर मुद्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है जल्दी रखिए,
आप बताएं, नहीं आप बताइए, आप किसके साथ रह के बात कर रहे हैं? अरे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपनी बात रखिए। नहीं 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 नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। आपने ऐसा तो कहा कल बीजेपी के साथ। मैं आपके साथ रहकर, आपके साथ रहकर, आपके साथ, आपके साथ, दयाराम भार्गव साहब, दयाराम भार्गव साहब, आपके साथ रहकर, दयाराम भार्गव साहब, आपके साथ रहकर, आपके साथ रहकर, मैं आपके साथ रहकर बात कर रहा हूँ। तभी तो मैंने कहा कि चार साल पहले ओपी राजभर साहब ने कहा था कि गरीब दरअसल दारू पीकर और मुर्गा खाकर वोट देता है। मुझे सोचे चार साल पहले की आपकी बातें याद हैं, तो मैं आप ही के साथ हूँ। अब बताइए सच्चाई, सच्चाई मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, सुनिए, आप देखिए, शिवपुर विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ। फिर आप यहाँ जो मलिन बस्ती के लोग हैं, सुनने की कोशिश करें पहले। मलिन बस्तियों में मैंने जाके देखा, वो बेचारे जो वाकई में गरीब हैं, आज उनके साथ वोट लेने के लिए यही नेता उनके यहाँ घर दारू पहुंचा रहे, यही नेता उनको मुर्गा खवा रहे हैं। तो नेताजी ने क्या बोला? ठीक है, तो गरीबों का वोट आपको मिलेगा? ठीक है, ठीक, इतना बताइए, गरीबों का वोट आपको मिलेगा? गरीबों का वोट आपको मिल रहा है? 100%। तो आपने मुर्गा, आपने उनको मुर्गा खिलाया, आपने उनको मुर्गा खिलाया, दारू बांटी, 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 आपने कहा कि गरीबों को मुर्गा खिलाकर दारू बांट कर वोट पड़वा रही है, आपने खिलाया, आपने खिलाया, भाजपा के वोट नहीं। और सुनिए, उत्तर प्रदेश में किसान जो है योगी बाबा की जो ललका सार तो परेशान है ना, वो लक्ष्य। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, भूदेव साहब पर आएंगे, भूदेव साहब पर आएंगे, लेकिन उससे पहले गुलरेज जी पर भी आएंगे, भूदेव साहब के पास आएंगे काफी देर से, लेकिन उससे पहले गुलरेज साहब आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, उसके बाद मेरा सवाल लीजिएगा। देखिए पहली बात तो भाई साहब ने इतना चिल्ला चिल्ला से बोला कि आधी बात मुझे समझ नहीं पड़ी, लेकिन जितनी बात समझ पड़ी उसमें एक बात तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही थी कि गरीब जो है वो दारू और मुर्गा लेके वोट देता है। ऐसे ही जो हमारी बहन लाल टोपी लगा के बैठी है, उनके जो परम पिता है उनकी पार्टी के, उन्होंने भी कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो वो सब बातें हमारी स्मृतियों में हैं कि लड़कों से गलतियां होती हैं जब लड़कियों की इज्जत लूटती है और गरीब मुर्गा खाता है वो वोट देता है, ये सब हमारी स्मृतियों में है। लेकिन अभी एक जो तुच्छता का एक नग्न प्रदर्शन इस पटल पर हुआ है, वो देख फिर शुरू हो गया। फिर आप गुलरेज भाई जा रहे गलत बात, आपके नेता से ज्यादा तुच्छ कोई है? आप थोड़ी देर क्या कर रहे हैं, फिर शुरू हो गए, फिर शुरू, आपके नेता से ज्यादा तुच्छ मुद्दे पर आइए, कोई तुच्छ है, अपनी जिंदगी को भूल गया, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर नहीं बोले गए, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर जवाब दीजिए। अरे आप लोग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे अब दयाराम भार्गव साहब क्या मुद्दा है, किस पर बात होनी है, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, आपको पूरा मैंने बोलने दिया, दो तीन मिनट तक आप जो बोलते रहे उनको भी बोलने दीजिए भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा, बोलने दीजिए। गुलरेज जी बोलिए, बार बार दो दुकानें कर रही है, गुलरेज जी बोलिए, इस पर इस लेवल तक जा चुका है कि जो लोग सोच रहे होंगे और जिनके घरों में बच्चे होंगे उन्होंने टीवी बंद कर दिया होगा। बहुत अच्छा किया होगा, आप लोगों को देखने की जरूरत भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या प्रॉब्लम, क्या है आपका प्रॉब्लम, क्या है आपका, बोलते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, शिल्पी चलता है, शिल्पी जी क्या प्रॉब्लम है आपका, आप डिबेट को शुरुआत से लेके अभी तक के बाद बना, पता नहीं किस बात की छेड़न है, पता नहीं किस बात का क्या हो गया, क्या है समाजवादी पार्टी के लोगों को, अरे गुलरेज साहब, गुलरेज साहब रुकिए, गुलरेज जी रुकिए, शिल्पी जी आप, नमस्कार, शिल्पी जी का बुलडोजर बस, आपको शिल्पी जी को जानकारी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, नहीं नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, जानकारी तो सारी इन्हीं को है, शिल्पी जी, शिल्पी जी मुद्दे पे कोई बात हो रही है, शिल्पी जी एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, शिल्पी जी मैं आपको एक बात करना चाहूंगा आज आपसे, और दयाराम भार्गव साहब आपसे भी, और भूदेव शर्मा साहब आपसे भी, ऑन स्क्रीन लीजिएगा जरा, सब ऑन स्क्रीन है, नहीं नहीं शिल्पी जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए बात सुन लीजिए मेरी, थोड़ी देर के लिए, बातें जब वन टू वन होती हैं तो वो तथ्यपूर्ण हो पाती हैं, आप दो तीन मिनट तक कितना भी चीखे चिल्लाए, आपने उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग किया, आपने तमाम तरीके की गालियां भी दी, उसका कुछ भी नहीं, सुनिए सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुछ नहीं हुआ उसका, दयाराम भार्गव साहब आपको मैंने शुरुआत से पूरा बोलने का मौका दिया, आपने बात रखी, लेकिन दयाराम भार्गव साहब आप भी थोड़ा सा समझते कि तर्कों पर बहस होती तो ज्यादा बेहतर होता, भूदेव शर्मा साहब शांत रहे, वो तर्कों पर बहस हो तो ज्यादा बेहतर है, अभी अगर गुलरेज साहब रुकते, मैं आपको बता रहा हूँ गुलरेज साहब को मैं इसलिए रोक रहा था, अगर गुलरेज साहब रुकते तो मैं गुलरेज साहब को, अगर गुलरेज, ये किसी का फोन चल रहा है, इसको बंद कर लीजिए प्लीज,
गुलरेज साहब अगर रुकते, सुनिएगा आप शिल्पी जी और दयाराम साहब आप भी और भूदेव शर्मा जी आप भी, अगर गुलरेज साहब रुकते और आप लोग बोलना बंद करते तो मैं उनसे आज ये सवाल करने वाला था कि रॉबर्ट्सगंज में एक विधायक हैं, उनकी ये स्थिति आ गई है कि सातवें चरण में वहां मतदान होना है, लेकिन उससे पहले सीट पर चढ़कर, उससे पहले मंच पर चढ़कर वो उठक बैठक कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। ये देखिए वीडियो भी आपको चलवा के दिखाता हूं, गुलरेज साहब से यही सवाल, यही बात करने के लिए मैं बार-बार हाथ ऊपर कर रहा था, बिल्कुल वीडियो चलाइएगा जरा, ये देखिए ये वीडियो भी रखे हुए थे, इस वीडियो को चलवाना, बिल्कुल ये वो वीडियो था, लेकिन सवाल जवाब कैसे हो पाएंगे ये बताइए आप शिल्पी जी। आपने नहीं, आप एक मिनट में कुछ बोलूं, एक मिनट में बोलूं कुछ, गलत बात, गुलरेज शेख को बात करते करते लाल टोपी मेढक क्या शब्द सही है आप बताइए, यानी हमारी बहन बैठी है, ऑन स्क्रीन लीजिए, ऑन स्क्रीन लीजिए, ठीक है हो गया। अब मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दयाराम साहब मेरी बात सुनिए, मैं यहां पर हूं, आपको आपस की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन अगर दो तीन लोग एक साथ बोलते हैं तो कई शब्द जो है वो छूट जाते हैं। मैंने ये बात नहीं सुनी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने सुनी होती तो मैं वहीं पर पॉइंट करता, वहीं पर पॉइंट करता, बहुत सारी बातें शिल्पी जी भी बोल रहे हैं, शिल्पी जी भी बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट भूदेव जी आप ही पर आ रहा हूँ, भूदेव जी आप ही पर आ रहा हूँ, भूदेव जी आप ही पर आ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए दयाराम साहब, बिल्कुल आप ही पर आ रहा हूँ, दयाराम साहब दयाराम साहब दयाराम साहब मुझे ये बताइए, शिल्पी जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द ठीक थे? दयाराम साहब, दयाराम से पूछ लेता हूँ फिर आपके पास, एक मिनट मेरी 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 सुनिए, आज आपने कहा कि उन्होंने जो बोला वो आपने नहीं सुना, लेकिन चार पांच दिन पहले ही जो बीजेपी के प्रवक्ता आपके ही चैनल पर माँ बहन की गालियां दे रहे थे, दो दो महिलाएं पैनल में बैठी हुई थी, मैं नहीं हूंगा, किसी ने डिबेट में नहीं था, नहीं आपकी डिबेट नहीं थी लेकिन चैनल आपका था, तो ऐसे प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हो आप भी देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हो, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको किसको बुलाना है और किसको नहीं, देखिए वो डिसाइड करेंगे, आपको एक बात बीजेपी के प्रवक्ता मैं आज आपको एक बात बताता हूं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा रिश्ता आप सभी से है, बराबर है, शिल्पी जी ने आज मुझे चाहे जो बोल दिया हो ठीक है, वो आवेश में आकर गुस्से में आकर वो कुछ भी बोल गई, लेकिन शिल्पी जी को मैं हमेशा आमंत्रित करता रहूंगा क्योंकि उनका पक्ष रखना बेहद जरूरी है, शिल्पी जी क्या बोल रही है मेरे लिए ये बिल्कुल जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए मत बोलिए, पर्सनल कुछ भी नहीं है, समाजवादी पार्टी का उन सवालों पर उस मुद्दे को लेकर क्या पक्ष है ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं या शिल्पी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर अपना पक्ष रखना इंपॉर्टेंट है, आप मुझको 100 गालियां दीजिए, कीचड़ उछालिए आप मेरे ऊपर, आप कुछ भी करते रहिए उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है शिल्पी जी, कोई फायदा नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बात मेरी सुन ले बहुत शांति से, मैं मुझे क्यों गुस्सा आया, लाल टोपी पीले गमछे तिरंगे गमछे को हमेशा टारगेट करना, मैंने भी कहा कि आप मेरी लाल टोपी को अगर इस तरह से कहेंगे, मैं अगर आपकी दाढ़ी को कहूंगी तो आपको भी आहत होंगे, व्यक्तिगत होना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को क्यों बुलाते हैं, ये तो रेस में है ही नहीं, आप बुला रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हम सबका पक्ष लेंगे, तो ये वो क्यों तय कर रहे हैं, ये तो गलत, जहां से हुआ उनको सोचना चाहिए, उसके बाद वो कहते हैं कि आदमी डिरेल ना हो, लाल टोपी शिल्पी जी आपकी थोड़ी ना, लाल टोपी तो पूरे समाजवादियों की है, पर्सनल कैसे हो गया, मैं यहाँ समाजवादी पार्टी तो बैठा कौन है बताइए, तो आपने दाढ़ी का जिक्र क्यों किया, दाढ़ी का जिक्र क्यों किया, बीजेपी मुसलमानों की पार्टी थोड़ी ना है कि दाढ़ी आपकी ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या है मैडम ये, मैंने नहीं कहा कि दाढ़ी वो कर दूंगी, मैंने कहा आपकी दाढ़ी को अगर मैं कहूंगी तो मैंने, ठीक है मैं आप डिबेट को क्लोज कर रहा हूँ, डिबेट को क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं ये बात कहना चाहता था कि आप लोगों ने इतना जो आज डिबेट को पूरी तरह से डिरेल किया, इसमें अहम सवाल छूट जाते हैं, मैंने आपको दिखाया कि ये सोनभद्र का जो वीडियो था ये दिखाकर, भूदेव साहब ये वीडियो दिखाकर मैं सवाल करना चाहता था कि आप जो कॉन्फिडेंस रखते हैं जो बोलते हैं, लेकिन आपके नेता जो है प्रत्याशी जो है, इसी वीडियो के लिए मैं बोलने वाला था, आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपके तरह ही भूदेव साहब आप नहीं ये आप बार बार बता रहे थे, मैं ये बोलने वाला था कि इनके विधायकों की आज ये स्थिति है कि मंच पे चढ़ के दंडक कान पकड़ के दंडक बैठक लगा रहे हैं, जनता उनको मार मार के भगा रही है, फिर भी आप ये बात क्यों नहीं बोल पाए, आप ये बात इसलिए नहीं बोल पाए, शिल्पी जी ने मौका नहीं दिया, आपने दयाराम साहब ने मौका नहीं दिया, और इसी वजह से मैं भी नहीं बोल पाया, जो सवाल करना था वो सवाल वहीं का वहीं रह गया, यही होता है नहीं। जब सिर्फ डिबेट के नाम पर सिर्फ चीखना चिल्लाना एक दूसरे को गालियां देना, इससे कुछ नहीं होता, जो जनता देख रही होगी बिल्कुल सही कहा, टीवी बंद कर भाग गई होगी, और मैं बिल्कुल जनता से कहता हूं कि अगर ऐसी बहस आपके नेता करते हैं
तो टीवी बंद मत करिए, टीवी फोड़ दीजिए या टीवी को मार्केट में बेच आइए। अगर ऐसी ही बहस जनता को देखनी है तो टीवी बंद करिए अपनी, या फिर टीवी को फेंक आइए या फिर टीवी को बेच आइए। ऐसी डिबेट देखने का कोई मतलब नहीं है, जहां पर जनता सबसे बड़ी बात ये देखे कि उनके नेता आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखिए, दिस इज नॉट गुड। आज जो भाषा का स्तर गिरा है, इसके लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। क्यों है? क्योंकि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उससे सीधे तौर पर समाज में जो मैसेज जाता है, तो आप दूसरी पार्टियों को टारगेट कैसे कर सकते हैं जब आप सत्ताधारी पद से सवाल नहीं करते? ये नेताओं के बयानों पर मैं नहीं जाना चाहता, आप हैं इसलिए आपसे बता देता हूं। खून की दलाली, खून की दलाली, नीच, चाय बेचेगा, ये शब्द आप ही के थे, आप ही की पार्टी के थे। आप छोड़िए, इन पर नहीं जा रहा हूं मैं आपको बस इतना बता रहा था कि चीखने चिल्लाने गाली गलौज करने से दरअसल जो डिबेट का सार है वो बिगड़ जाता है, और जो सवाल अहम थे वो नहीं पूछे जा सकते। अब सत्ता से सवाल तो तभी करे जा सकते हैं जब आप सब लोग तर्कों के साथ सवाल करते, एक दूसरे को जवाब देते। लेकिन आज जिस तरीके से आपने पूरा डिबेट का कबाड़ किया है, तो ऐसे में जनता के लिए बिल्कुल साफ है कि टीवी फोड़ दीजिए, बेच दीजिए या फिर बंद कर दीजिए, और ऐसी बहस नेताओं की बिल्कुल मत देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज का मुद्दा आपका देखने के लिए, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, धन्यवाद।